इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जीत लिया है बहुत बड़े मार्जिन के साथ, करीब करीब 300 रन के साथ। जैसे मैंने पहले दो दिन पहले कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू क्रश ऑस्ट्रेलिया और वैसा ही हुआ। जसप्रीत बुमराह अगेन येट अगेन ही इज अ क्लास एक्ट, यू नो उसके खिलाफ रन करना इट्स नॉट नेवर इजी। बूम बूम साहब ने बता दिया कि ये जो आईसीसी की जो रैंकिंग है ना सब फेक है। कौन T20 का बेस्ट बॉलर है, कौन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम, कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। अब तो ऑस्ट्रेलियन और ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, नर्वस हो गए होंगे कि रोहित शर्मा भी पहुंच गया दूसरे टेस्ट मैच के लिए, गिल भी फिट हो गया, जो फॉर्म में नहीं था विराट कोहली उसने अपनी क्लास दिखा दी है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए, और सीख किससे लेनी चाहिए, इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से। कि इंडियन का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है, आपने ऑस्ट्रेलिया के गेंस देखा, जो उनके यंगस्टर्स हैं वो सेंचुरियां मार रहे हैं और हमारे जो यंगस्टर हैं वो खचे मार रहे हैं। और आज ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरी तरह फेंटा खाया, सो दैट गोज टू टेल अस, ये हमें बताती है चीज के आप विनिंग द टॉस इन अ गुड ट्रैक्स यू ऑलवेज लाइक टू बैट और रन ऑन द बोर्ड और उसके बाद उनको टेस्ट किया जाए, जितनी बड़ी मर्जी बैटिंग लाइनअप हो सारे क्रम्बल कर गए। एनीवेज आई थिंक इंडिया डिजर्व दिस वन एंड आई थिंक दे हैव डन इट इन स्टाइल। और दूसरी तरफ आप जा रहे हैं जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे में जाके आप जो है 62 या 68 फॉर 6 हो गए 21 ओवरों के अंदर और आप उनसे नहीं मैच हार गए तो एक, और दूसरी तरफ आप जा रहे हैं जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे में 295 रन से हराना बहुत बड़ी बात है टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टस ग्राउंड में पहली हार ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड पे, और स्पेशली पर्थ पे बोल रहा हूं, मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं पर्थ पे ऑप्टस, बड़ी बात है। हम देख रहे हैं जैसे हमारा कल मैच हुआ जिम्बाब्वे हम हार गए, इंडिया को क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा खुशियां देती है कौन कौन, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल में पहुंचे जो हारे फिर T20 जीते और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। बूम बूम साहब ने बता दिया कि ये जो आईसीसी की जो रैंकिंग है ना सब फेक है, कौन T20 का बेस्ट बॉलर है, कौन अपने एक स्पेल से T20 में आउट करा देता है, कौन 50 ओवर में आउट करा देता है पूरी टीम को, और कौन टेस्ट मैच में आउट करा देता है, आठ आउट करे प्लेयर ऑफ द मैच सही दिया, हालांकि आप बोलेंगे जसवाल को देना चाहिए था, 150 के सामने 104 पे जो आउट करा था वो टर्निंग पॉइंट था, तो मैन ऑफ प्लेयर ऑफ द मैच बिल्कुल सही दिया बुमराह को, मेरा ख्याल है मेरी अपनी ये राय। और जो मुश्किल साइन है ऑस्ट्रेलियन के लिए लबोशेन ख्वाजा और स्मिथ, इनका पहले टेस्ट मैच में रन ना करना कॉन्फिडेंस लेवल और डाउन होगा, इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। अब मैं आपको कहता हूं कि एक बात बोली थी पुजारा की याद आएगी, याद है राहुल ने वो काम करा पुजारा वाला, अगर आप लोगों ने टेस्ट मैच देखा कौन से नंबर पर आया, नंबर 5-6 पे खेलता ओपनर आया, उसने लगे रहा मुन्ना भाई, टीम डेडिकेशन इसको बोलते हैं, एक टीम बन गई अभी। अब एडिलेड में पिंक बॉल से मैच है, क्या प्लान करते हैं, कप्तान साहब भी आ गए हैं, लेट्स सी। लेकिन एक चीज तो है जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करी ना वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन था उसको उठाने में उस फैसले ने बहुत मदद करी है। इंडिया के बैट्समैनों ने जयसवाल ने और विराट कोहली ने स्पेशली, मैं बार बार बोलता हूँ जयसवाल और के राहुल ने जिस तरह पूरा मोमेंटम जो है वो बदल दिया, और उन दोनों ने जिस तरह ओपनिंग स्टैंड दिया और जिस तरह बैटिंग की, काम वहीं तमाम हो गया था सारा, बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटिंग की, फिर विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म, मीडिया का प्रेशर सब कुछ, उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं, आप लोग भी मानते हैं जो मेरे खिलाफ है लोग, और मैं भी मानता हूं और लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि यार बुमराह के बगैर जो है ना मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है बॉलिंग लाइन में स्पेशली, क्योंकि हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफा देखा, चाहे T20 हो चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट दिलाता है, और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम, कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है, उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है, मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है इसमें कोई दो राय नहीं है, इस एक्शन के साथ आपको जरा पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन एक्शन नहीं, मुश्किल एक्शन,
और बैट्समैन ये समझ ही नहीं सकता कि यार ये बॉल 135 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, किस पेस पे जाएगा, वो एकदम से स्किट होके बॉल आता है। उसके बाद आप ये देखो कि जिस तरीके से बुमराह ने एक जगह पकड़ी हुई थी, गुड लेंथ एक पकड़ा हुआ था, वहां से बॉल नीचे भी रह रहा था, बाउंस भी हो रहा था, जिस तरह स्मिथ को जो हुआ, ठीक है स्मिथ को तो आई थिंक सिराज ने आउट किया, लेकिन वैसे ही वो जो जगह थी वो बड़ी जबरदस्त जो है वो जगह थी, वहां से प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो आई थिंक बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, मुझे ऐसा लगता है, देखिए लास्ट मैच लास्ट इनिंग में भी 5 आउट किए, इसमें भी आई थिंक 3 आउट किए, वो जो ब्रेक थ्रू दिलाता है ना, जिसकी वजह से बॉलर्स के अंदर फील्डर्स के अंदर बड़ी जान आती है, वो आप हमेशा नोट करना, वो उस टाइम आउट करता है जिससे पूरी टीम में जान वापस आ जाती है, और स्पेशली पहला टेस्ट मैच इतनी जबरदस्त बॉलिंग। लेकिन भारत के प्लेयर्स हैं कि वो जो है ना हथियार डालने के लिए वो राजी नहीं थे, उन्होंने किला फताह करना था, जाके उन्होंने किला फताह किया है और ऐसा किया कि पानी तक नहीं पूछ रहे किसी को, जाके पर्थ पे जो है उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है। अब रह गए बाकी के 3 मैचेस, उस पर जरा बाद में बात करते हैं। पहले इस मैच की जो हाइप थी और जो हाई वोल्टेज ये मैच हुआ है, जिसमें भारत ने पूरा एंटरटेन किया है, पूरी दुनिया को एंटरटेन किया है, ना सिर्फ भारतीय फैंस जो क्रिकेट फैंस हैं और उनके प्लेयर्स के फैंस हैं वो खुश होंगे, इनफैक्ट इधर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा फैंस हैं इनके, और जो उनकी क्रिकेट को बहुत ज्यादा सराहा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब वो अपनी टीम को देख रहे हैं, पाकिस्तान की टीम को, कि जिम्बाब्वे से भी वो हार गई है, तो इस पे बहुत दुख भी होता है उनको। एक तरफ आपकी नेबरिंग कंट्री है जो इतनी डोमिनेट कर रही है और डोमिनेंस परफॉर्मेंस दे रही है अगेंस्ट कैंगरूज, जो अपने घर में हारता ही नहीं और बड़ी मुश्किल से हारता है, और हराने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ आप जा रहे हैं जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे में जाके आप जो है 62 या 68 वो 6 हो गए 21 ओवरों के अंदर, और आप उनसे भी मैच हार गए, तो एक शर्म का मुकाम है एक तरफ, और एक तरफ है कि जिनके बच्चे साउथ अफ्रीका जाते हैं वो 280 कर रहे हैं T20 के अंदर, 300 टच करने लगे हैं, और बड़े जो हैं पर्थ के अंदर जाके झंडे गाड़ आए हैं। आज उन्होंने ये मैच जो है वन साइडेड जीत लिया है, और ये दो टीमों का फर्क जो है वाजिया करता है पूरी दुनिया के सामने। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही, हर एक बंदे ने चिप इन किया, लेकिन आप सिराज का जो रोल है वो नहीं भूल सकते हैं। देखिए बुमराह ने 10 आउट तो करने नहीं थे, और शामी टीम के अंदर है नहीं, और सिराज का वहां पे रोल पहले दिन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट था, जहां पे उनको 10 आउट करने थे, और वहां पे जब बुमराह ने ऊपर से 3 आउट किए, सिराज ने भी नीचे से 2 आउट किए, और मेन प्लेयर्स आउट किए, अच्छे आउट किए, और उसके बाद आज फिर जो उन्होंने स्टीव स्मिथ को बॉल किया, देखिए ख्वाजा तो वैसे ही लेट हो गए ना, जब आप उनको इतना थकाएंगे, जब आप उनको इतनी इतनी लंबी फील्डिंग कराएंगे, भाई उन्हें आदत नहीं है इतनी फील्डिंग करने की, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आपने उनको इतनी फील्डिंग करा दी है, उनके मुंह लाल हो गए, बटन उन्हें खोल दिए, वो नहीं करते, वो दूसरों के साथ ऐसा करते थे, यार आपने ये क्या कर दिया है। हिंदुस्तान की टीम ने मुंह से बोलने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया, तो जो प्रोफेशनल जो नंबर वन टीमें होती हैं, जिनका सिस्टम स्ट्रांग होता है, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, वो अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, टेंशनबाजी में जवाब नहीं देते, या अगले को बेवकूफ़ समझ के मुंह से जवाब नहीं देते, बातें करके परफॉर्मेंस से देते हैं। और ऐसी मैं फिर बोलूँगा, एशियन टीम क्या कोई भी टीम जाके ऑस्ट्रेलिया में ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकती जब उसके साथ 3 टेस्ट मैच हारे हों, वाइट वॉश हुआ हो, बड़ा मुश्किल होता है, वैसे ही मॉरली वैसे ही गिरी होती है टीम के, यार अगली टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया नाल है, वाले अजाब का तो पता ही नहीं सी, ये प्लेयर बातें करेंगे, लेकिन कमाल परफॉर्मेंस, कमाल कमबैक किया, बड़ी परफॉर्मेंस, और अब तो ऑस्ट्रेलियन और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, नर्वस हो गए होंगे कि रोहित शर्मा भी पहुंच गया दूसरे टेस्ट मैच के लिए, गिल भी फिट हो गया, जो फॉर्म में नहीं था विराट कोहली उसने अपनी क्लास दिखा दी है और बताया कि क्लास परमानेंट होती है, और जायसवाल ने जैसे 150 बनाया है, राहुल की जैसे फॉर्म आई है, बॉलिंग देखें कि ऑस्ट्रेलियन टीम कभी लगी ऐसे कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, बड़ा बड़ा मुश्किल टाइम आया, हमारी सीरीज जो हुई है 16-4 आउट हो गए थे, उसके बावजूद आप देखें वो हमसे टेस्ट मैच जीत गए, वो निकल जाते थे मुश्किल टाइम से कोई ना कोई आके, लेकिन इस टेस्ट मैच में उनको जरा सी सपोर्ट नहीं मिली किसी प्लेयर्स की तरफ से, एज अ टीम वो निकल नहीं पाए, ऐसे मेरे ख्याल से बांधा हुआ था कि मौका नहीं मिल रहा था, और मेरे ख्याल से ये जो हार है ना ऑस्ट्रेलियंस को हजम नहीं होगी, जैसे वो हारे हैं 100 पे भी आउट हो गए हैं, नहीं कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है,
लगा ही नहीं कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, बॉलिंग कर रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम खेल रही है, बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही फीका लगा है, और दोनों इनिंग्स में फीका लगा है इंडिया के सामने, बल्कि मैं कहूंगा कि जसप्रीत बुमराह के सामने। वो सही कहा वसीम जाफर ने कि गूगल प्ले जसप्रीत बुमराह, बट जसप्रीत बुमराह कैन नॉट बी प्लेड, ये बस सच है। मतलब T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर जसप्रीत बुमराह अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं। एक होता है ना कि आपने अच्छे एक मैच में परफॉर्म कर दिया, छाप छोड़ रहे हैं दिमागों में, छाप छोड़ रहे हैं। और आप देखें मोनस लबिशाइन जिस तरह आउट हुआ है, वो मुझे लगता है इस टेस्ट मैच की मुझे सबसे खूबसूरत बॉल वो लगी है, शानदार एक बॉल थी, या इससे पहले इनिंग के अंदर जब ट्रेविस हेड बोल्ड हुए थे वो भी एक अच्छी बॉल थी। बट मोनस लबिशाइन तो बिल्कुल घबराए हुए लगे हैं बुमराह के सामने, मतलब ये उनके वो बल्लेबाज हैं जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और वो बुमराह के सामने बिल्कुल वैसे हुए हैं। और फिर ट्रेविस हेड की विकेट सेकंड इनिंग में जो बुमराह ने ली, वो थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैच तो कभी भी उनके पास नहीं गया, मगर इंडिया के करीब जरूर लाया वो वाला मैच, वो वाली विकेट जो थी। ओवरऑल बड़ा शानदार मैच नहीं कह सकते, मगर शानदार परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। ऑफकोर्स वो टीम इंडिया जो 3-0 अपने घर से हार कर जब ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी, तो एडवर्टाइज बहुत हुआ उनकी, यू नो के बातें बहुत हुई, चर्चा बहुत हुआ, बहुत कंपेन हुई, मगर बहुत कम लोग थे, इवन के उनके अपने इंडियंस भी स्वयं सुनील गावस्कर के और युवराज सिंह के, कोई उनको फेवरेट नहीं कह रहा था। अब पहला टेस्ट मैच जीते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि उनकी पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि वो पहला टेस्ट मैच हारी हूँ और फिर वो सीरीज जीते हूँ, अदरवाइज वो हमेशा सीरीज हारते हैं पहला टेस्ट मैच हारने के बाद। और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया टीम को न जाने क्या हुआ, या तो इनके पर काटे हैं इंडिया ने, एकदम ऐसी फीकी टीम, अगरचे पाकिस्तान से वनडे सीरीज हारी, मुझे लगता है कि इनके सीनियर्स को भी शायद रेस्ट की जरूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज हारी है और T20 जीती अपने जूनियर्स के साथ, अब इंडिया के खिलाफ अपने सारे मेन, आप सोचे ना इनका प्लान क्या था पाकिस्तान, जब इंग्लैंड को, इंग्लैंड में इन्होंने टीम भेजी थी अपनी व्हाइट बॉल टीम, वहां पर भी सारे रेस्ट करा दिए, फिर भी डोमेस्टिक के अंदर पैट कमन भी खेलेंगे, मिस स्टार्क भी खेलेंगे, ये भी खेलेंगे, क्योंकि तैयारी करनी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। पाकिस्तान के खिलाफ 2 बार टीम अनाउंस की, एक बार वनडे में, फिर आखिरी वनडे से कुछ खिलाड़ी बिठा दिए कि नहीं रेस्ट देना है, हमने बॉर्डर गावस्कर की तैयारी करनी है, कहीं पर तैयारी। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इंडिया की टीम की तारीफ कर रही है, क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही जाकर, और वो भी उनके होम ग्राउंड पर्थ के अंदर जाकर उनको मात दे दी है। ऑस्ट्रेलिया को इतनी बड़ी हार शायद ही किसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको हराया होगा, लेकिन इंडिया ने ये कारनामा करके दिखा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया भी अब इंडिया टीम की दीवानी हो गई है, पर एक तरफ यहाँ उनकी खुद की टीम जिम्बाब्वे से हार गई है, वो भी 85 रन से, और एक तरफ वे इंडिया की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही के अंदर ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और बुमराह, इन्होंने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है उसकी वजह से ही टीम इंडिया आज 1-0 से आगे चल रही है। बुमराह मैन ऑफ द मैच बने हैं, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि मेरी जगह अगर यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द मैच मिलता तो उन्हें और अच्छी खुशी होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही के अंदर ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और बुमराह, इन्होंने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है उसकी वजह से ही टीम इंडिया आज 1-0 से आगे चल रही है। बुमराह मैन ऑफ द मैच बने हैं, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि मेरी जगह अगर यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द मैच मिलता तो उन्हें और अच्छी खुशी होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।